अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। एंड सिलसिला चलता जा रहा है मैचेस का, आगे बढ़ते जा रहे हैं मैचेस। द राउंड 3 ऑफ वर्ल्ड कप 2023 इज गोइंग राइट नाउ। 13 मैचेस, आज 13th मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का, जहां पे अफगानिस्तान का आमना सामना होगा इंग्लैंड से। दिल्ली में होगा ये मुकाबला और दोनों टीम्स इस वक्त टॉस हो चुका है और टॉस जो है वो इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। क्या चेंजेस हैं दोनों टीम्स में, उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मगर कल एक बहुत ही डॉन्टिंग शिकस्त जो है वो टीम पाकिस्तान ने फेस की इंडिया के खिलाफ। दो के इट इज़ जस्ट द थर्ड मैच, बट क्या क्या इम्पैक्ट होगा उस कल के मैच से टीम पाकिस्तान के ऊपर, किस तरह उस मेंटल स्ट्रेस से निकल कर लड़कों को बाहर आना पड़ेगा। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं टीम इंडिया के खिलाफ खेलने की, शायद वो जीत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है टीम को और वो हार बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले आती है। कितना इंपॉर्टेंट काम होगा पाकिस्तान के टीम साइकोलॉजिस्ट का, ये सारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स, स्पार्क्स स्मार्टफोन्स। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी टॉस इंग्लैंड ने जीता है और इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है, यानी कि अफगानिस्तान की टीम पहले दिल्ली के इस ग्राउंड में बैटिंग करेगी और देखना यह है कि कितना टारगेट वो देने में कामयाब हो पाते हैं। और इससे पहले जो कल का मैच हुआ, अभी हमने सवेरा आपने भी जिक्र किया, पूरी कौम दुखी है, अफसुरदा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप अभी बाकी है। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम सब के पसंदीदा मुश्ताक अहमद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती है और हाँ। हम हमेशा से खुश होते हैं, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमें मज़ीद एनर्जी देता है, एक अच्छी वाइब देता है पूरे स्टूडियो में। हम सब के जो चेहरे हैं वो ये स्माइल देख के जो है वो एक मरतबा फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। एंड हम सब के पसंदीदा यूसुफ भाई, मोहम्मद यूसुफ, लेजेंडरी बल्लेबाज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा आप लोगों ने प्लान किया हुआ है क्या, ट्विनिंग करके आए हैं दोनों? ओह यस, करीब करीब कलर है। आई डोंट नो, आई थिंक हम हमारी जो एक कहते हैं ना जो कास्ट साथ, हाँ, वो गुजर है, हाँ, तो गुजरों की जब आपस में वो केमिस्ट्री मिलती है ना, हाँ, तो बड़ी डाडी मिलती है। अच्छा, बड़ी वो बड़ी मतलब दिल से दिल को राह हो जाती है, दिल से दिल हाँ, को राह होती है। तो ये इसने जो कल मुझे थोड़ा सा फीडबैक दिया है ना, हाँ, तो उसके बाद हम थोड़ा सा वर्कआउट भी कर रहे हैं कि जी हमारे अंदर क्या क्या और चीज डेवलपमेंट हो सकती है कि आप दोनों को पीछे छोड़ के हम अपना शो को रन करें। अच्छा, ओहो, गुजर सुप्रीमेसी, ये प्लानिंग हो रही है या हमारे खिलाफ यूसुफ? ये नहीं चलेगा, देखें हाँ, ये कौमियत का नारा नहीं लगेगा। देखें ये देखें हम जो है ना, हाँ, हम बिल्कुल एंटी रेसिज्म लॉ है यहाँ पे, सो प्लीज डोंट डू दैट एट ऑल। नारा नहीं लगा रहे, ये आप हरासमेंट नहीं कर सकती हमारा। बट यस, जहाँ जो है हम ये बात कर रहे हैं, कल ऑब्वियसली इट वॉज इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, द ग्राउंड वॉज फुल, 1,30,000। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊँगी, कल किसी ने ये ज़रूर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा वहाँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंडिया में खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं। एवरी वन वुड हैव चीयर्ड फॉर इंडिया बिकॉज पाकिस्तानी फैंस को तो वीज़ा ही नहीं मिला था कि वो वहाँ जा सकते, बट not supporting a team and daunting a team are two different things. कि आप उनके ऊपर जिस तरह abusive chants कर रहे थे, that was something that मेरा ख्याल से everyone should condemn. जब toss हुआ और बाबर के ऊपर booing हुई, शायद उस वक्त, because I remember कि जब स्मिथ वापस आए थे सैंड पेपर इशू के बाद और जब उनके ऊपर बू किया गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, सो विराट कोहली ने सबको चुप करवाया था। विराट कोहली ने अपने क्राउड से रिक्वेस्ट की थी कि नॉट टू मिसबिहेव विद हिम। सो कल मेरा ख्याल से शायद उस वक्त सेंटर में रोहित थे, मे बी उसका एक जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता फॉर हिम टू जस्ट टर्न बैक एंड टेल हिज पीपल नॉट टू डू दैट। बट ये सारी चीज़ें, इट एड्स अप टू द प्रेशर, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ये हम एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम प्रोफेशनल टीम हैं और अपने मुल्क के लिए खेलने गए हुए हैं। मुझे याद है कि जब हम वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सीरीज़ खेलने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सीरीज़ हुआ करती थी उस वक्त, तो वसीम भाई को, इमरान भाई को, वकार को, जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे, सईद भाई को, इनको बड़ी टाउंटिंग किया जाता था। ग्राउंड से ऐसी सी आवाज़ें आती थी, वो मैं अब अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसे अब्यूजिंग वर्ड होते थे। But you know, you have to beat them with your performance. Yes. Simple as that. आपने ये destruction अपने mind से परे करनी होती है। अगर चार बंदे मुझे मिल के और मुझे थोड़ा सा हूड करते हैं या मुझे कुछ मुझे undermine करने की कोशिश करते हैं, तो और मैं हो जाता हूँ, तो ये तो मैं weak link हूँ ना। तो
ये एक्सक्यूज़ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका क्राउड है, होम क्राउड है, अगर पाकिस्तान में इंडिया आएगी तो पाकिस्तान के सारे फैन अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और टॉन्टिंग है, बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाकी आप जितना मर्जी अब्यूज़ करें, आप जितना मर्जी आप छेड़ें, जो मर्जी आप आवाज़ें लगाएं, अंडर द बेल्ट जो बात होती है ना वो आपको हर्ट करती है, वो आपके इमोशंस को ख़राब करती है। क्योंकि जितना मर्जी बंदा हो, टेम्परामेंट बंदे का ख़राब हो जाता है, यू नो यू बिकम अग्रेसिव, और आप अपनी गेम से हट के, जो मैं कहता हूँ ना कनेक्ट, जो आपका कनेक्शन होता है गेम से, वो डिसकनेक्ट होकर तो यू जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैम, आप वापस उनको अब्यूज़ करने लग जाते हो। फिर दोनों एक बुरे में, एक बुरा जब बंदा आपको बुरा बनाने की कोशिश करता है और आप बन जाते हो, फिर दोनों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक दैट वॉज एक्सक्यूज, हमारी तरफ से ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट, एज सिंपल इज दैट। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, हमारे पास बड़े मैचेस पड़े हैं, हमारी टीम अच्छा खेल सकती है, बट सिंपल करें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वी डिड नॉट प्ले अ गुड मैच यस्टरडे, इट हैपेंस। हम अच्छा मैच नहीं खेले, बिल्कुल हम इस बात के ऊपर तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से क्राउड का बिहेवियर, अभी मुशीब ने बड़ी डिटेल से इस पर बात की है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ असरअंदाज होती है, क्योंकि हमने किंजी भाई का भी इंसिडेंट देखा था जिस पर वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रिएक्शन दिया था क्राउड के ऊपर, ठीक है, उन्होंने तो बैट से मारा, उन्होंने बैट से, मतलब एक रिएक्शन आता है। देखें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर गुस्सा भी है, और ये हमारी टीम, हम इस चीज़ को अगर माइंड में रखें, नई टीम है, नए लड़के हैं ज़्यादातर, रिजवान स्ट्रॉन्ग नर्व्स का है, रिजवान ने और बाबर ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद जब साउथ आया, साउथ क्लूलेस था, और साउथ हम ये कह सकते हैं कि अभी वो रेडी नहीं था इस स्टेज के लिए, और वहाँ पर चले गए, ये भी एक एंगल निकलता है इसमें। तो क्या अब ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती, अगर 4 या 400 4 हज़ार नहीं कि 1,30,000 लोग थे, और जिस तरीके की गालम गलोच की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुशी भाई ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब आगे कोई बात हो सकती है इस पे। ये तो अब ऐसी बात लंबी हुई और बात है, लेकिन कुछ रह नहीं गया, क्योंकि सिंपल बात है, एक्सक्यूज़ नहीं है, हम सब प्रोफेशनल हैं, और कोई पहला मैच खेल रहा है या आखिरी मैच खेल रहा है, जब आप कहीं इंडिया जाएंगे तो यही होगा, ये होना है आपके साथ, वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनको, जैसे मुशी भाई ने कहा था, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो मर्ज़ी करें। आपको ऑस्ट्रेलिया वाली मिसाल दी, हमारे साथ भी होता था वहाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ जो पहला टेस्ट मैच, डेब्यू नहीं था मेरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच था पेशावर में, वो पूरी टीम मुझे अब्यूज़ कर रही थी, खेलना है, मैं आउट हो गया, ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, मैं आउट हो गया, ओके, लेकिन इसकी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं इस वजह से आउट हुआ था जी। बट इसका यानी कि प्रेशर कहीं ना कहीं चीज़ असरअंदाज होती है ना, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। मैं बाहर आया तो मैंने ये थोड़ी कहा मुझे सारे गालियां देने थे, मैं इसलिए आउट हो गया, नहीं, मैंने बाद में अपने आप को वो किया, क्या नाम है, रीबिल्ड किया कि यार ये तो होना है हमारे साथ, ये हमारी हमारी यूसुफ, सॉरी टू कट यू यूसुफ, वेरी सॉरी, हमारी किसी टीम में किसी बंदे ने एक्सक्यूज बनाया नहीं नहीं व्हाई वुड डिस्कस क्योंकि ऑर्थर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये एक बिलैटरल सीरीज लग रही है, आईसीसी इवेंट नहीं लग रहा, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने तो नहीं सुना कहीं पर भी, और सारे इंडिया के, बट उन्होंने ये बाद में ऐड किया कि एक्सक्यूज नहीं है, बट स्टिल आईसीसी का इवेंट है तो दोनों टीम्स के तराने चलाए जाने चाहिए। आई थिंक जब किसी ने नहीं बनाया ना एक्सक्यूज, तो ये सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं ना, आई पर्सनली थिंक यू नो लाइक सम टाइम वी मेक थिंग्स, हम इश्यूज बनाते हैं, अगर ये इशू नहीं है, हमारी किसी प्लेयर ने नहीं किया, देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन। आई मीन हमारा ये कंसर्न जो है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि जो उनकी पब्लिक है जो ग्राउंड में बैठी है, वो ऐसा कोई लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे जो मैं बार बार, जिससे डिसरिस्पेक्ट हो, जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, आपके मुल्क को ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहिए जिसमें रेसिज्म हो, हुआ था, you know, ऐसा कुछ हुआ था। ये अगर ये किया तो ये वेरी बैड, दैट्स अ वेरी वेरी बैड। वो हम लोग यहाँ मैच जीते थे जब 2005 में, तो उस टाइम भी वो यही बोल रहे थे, एक लफ्ज है वो हम नहीं बोल सकते यहाँ, लेकिन एज ए कंट्रीज आप नहीं ये बातें कर सकते, आप किसी दूसरे मुल्क को ये बोल रहे हो या गालियाँ दे रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। बट ये देखें, ये स्टेडियम अथॉरिटीज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हमने अभी जब UAE में भी देखा था, अफगानिस्तान के फैंस ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया था, आई डोंट रिमेम्बर अफगानिस्तान का मैच किसके साथ, अफगानिस्तान हार गया था,
ने कुर्सियां भी तोड़ी और लीड में था वर्ल्ड कप का जब वहाब ने और अहमद वसीम ने वो पार्टनरशिप में लगा के जो है आई वाज देयर एक्चुअली और वो लीड्स में इनकी इतनी लड़ाई हुई थी अभी पिछले साल भी हुआ है हां ये पिछले साल यूएई में भी हुआ है पिछले साल जो नसीम शाह ने रिपोर्ट कर दिया गया उन लड़कों को वो जो जिन जिन की शक्लें दिखी थी दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम यूएई ये पिछले साल यूएई में भी हुआ है तो मेरा ख्याल से जो वहां कंसर्नड अथॉरिटीज हैं दे शुड क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं हर जगह कि कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं करना है कोई रिलीजियस कमेंट नहीं करना यू आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स इवन कोई किसी पार्टी के झंडे नहीं लाने मगर कल वहाँ पे बहुत सारे प्लेकार्ड्स ऐसे थे जो कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के थे बट इवन देन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज एंड नो वी आर नॉट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज दिस इज जस्ट अ डिस्कशन दैट व्हाट हैपेंड देयर बट फिर मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ दैट दिस इज अ पॉजिटिव थिंग तीसरा मैच वर्ल्ड कप का टीम पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से गुजर गई है कि अब बाकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी अगर क्राउड की तरफ से प्रेशर हुआ था आई थिंक यूज टू डेफिनेटली हो जाता है बंदा यू नो दिस इज लास्ट जो कल की गेम थी ये मैक्सिमम फेलियर था अल्लाह ना करे इससे कोई हमसे वर्स्ट हम परफॉर्मेंस कर सके हमारे लड़के इतने अच्छे हैं कि वो यू नो दे कैन गिव एनी बडी कम्पिटिशन मगर वो जो आप बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये आईसीसी का मैच है ये आईसीसी को देखना चाहिए हमारा काम नहीं है आईसीसी ओवरऑल देखे जाए तो हरासमेंट के ऊपर और पता नहीं क्या क्या रेसिज्म के ऊपर बहुत स्टेप लेता है विच इज़ वेरी गुड थिंग यू नो ये स्पोर्ट्स को हम क्लीन करना चाहते हैं स्पोर्ट्स से हमें एक ब्रांड बना के जिसको कहते हैं कि जो लोगों को इकट्ठा करने की एक एक्सक्यूज होता है स्पोर्ट्स ये एग्जैक्टली एंड उसको हैविंग सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आईसीसी जंप इन टू इट और ये स्टेटमेंट दे अगर स्टेटमेंट नहीं दे सकता तो एटलीस्ट यू नो कहीं ना कहीं ये बात करे कि कहीं भी क्राउड हो पाकिस्तान के जो मैचेस हों आई वी विल रिक्वेस्ट इंडियन क्राउड कि जी आप ऐसी कोई बात ना करें जिसके उनकी कंट्री को और उनको उनके इमोशंस को आप हर्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअल आप किसी को छेड़ें जो मर्जी करें आप जो आपकी मर्जी है यू हुट यू नो ये गेम का एक फन भी है आप कई दफ़ा हम ग्राउंड में खड़े होते हैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं और कई दफ़ा कई ग्राउंडों में यकीन करिएगा कि बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड में मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था और मैं अपना बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहा था थर्ड मैन के ऊपर तो पीछे से कुछ गोरे थे दे वर ड्रंक ठीक है और वो अब्यूज़ कर रहे थे मुझे यू नो लाइक एक्सट्रीमस रिलीजियस मुस्लिम और वट एवर ठीक है मुझे बहुत ऐसा कर रहे थे अच्छा जो हमारा कप्तान था उस तक स्लिप में ये आवाज़ पहुँच गई वो ही केम ऑल द वे टू मी और आके मुझे कहता है कि मुशी आई थिंक यू शुड मूव फ्रॉम दिस एंड वी कैन ब्रिंग यू इन द सर्कल आपको सर्कल में आ जाओ मैंने कहा इट्स ओके मैन इफ आई कैन नॉट हैंडल दैट इट मींस आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट दिस इज अ हाई प्रेशर जॉब ऑफ कोर्स मैंने कहा अल्लाह जानता है क्योंकि ये हमारा दीन भी सिखाता है ना ये दीन ने हमें मजबूत किया इस बात पे कि आपने एक गलत बंदा बात करा आपने उसके गलत बात के ऊपर गलत बात नहीं करनी और उसको जीतना अपने एटीट्यूड से आई कीप स्माइलिंग देम एक्चुअली हसन अली के ऊपर पेपर प्लेन्स फेंके गए हैं वो भी थर्ड मैन पे थर्ड मैन मैं आगे से मुस्कुरा रहा था इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ आगे से मुस्कुरा रहा था 10 मिनट के बाद 3-4 ओवरों के बाद दे बिकम लाइक मी उन्होंने गिव अप कर दिया ना क्योंकि उन्होंने कहा आई वाज नॉट रिएक्टिंग वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें मगर इससे हुआ क्या कि जो इर्द गिर्द वाले सेंसिबल लोग थे ना दे वर थिंकिंग यू नो दिस इज अ वेरी बैड थिंग व्हाट आवर नेशन इज डूइंग इट समटाइम ये इनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस इनको खुद ही पता चलेगा इसका एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ये जो आपने बात आखिरी की है मैं बिल्कुल ये एड अप करना चाहती हूँ क्योंकि हम स्टेरियोटाइप तो सबको कर नहीं सकते ऑब्वियसली 130,000 बंदा था वो 130,000 बंदा ये सब नहीं कर रहा था बिकॉज ये सब कुछ जो हुआ बहुत सारे लोगों ने दे केम अप टू द ट्विटर एंड दे अपोलोजाइज्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम दैट वी अपोलोजाइज के अहमदाबाद हैज़ मिसट्रीटेड यू दैट सो विच इज़ लाइक हम वही कहते हैं ना एक साथ इसीलिए चल रही है अभी तक दुनिया की अच्छाई बुराई एक साथ है अगर कोई इस तरह कर रहा है तो वी कैन नॉट स्टेरियोटाइप एवरीवन आउट देयर ये टिल द डे ऑफ जजमेंट क़यामत तक ये हमेशा कामयाबी का एक राज है एक प्रोसेस है हमारे नबी ने क्या फरमाया है बेहतरीन बदला माफ़ करना है अगर तुम माफ़ कर दोगे एक ना एक दिन ये गिल्टी ज़रूर फील करता है बंदा कि आई वॉज रॉन्ग बट अगर इफ़ यू बिकम लाइक दैम what is the difference between you and that guy is abusing you so we have to be brave we have to be broad minded aur kahein tum do galiyan hum performance karke jeetenge main bilkul ye excuse nahi hona performance ko isse relate nahi karna chahiye bas ye point of view bilkul but dusri taraf yahan pe aaj hona hai muqabla jis tarah aapko bataya delhi mein england aur afghanistan ki team would be in action aur toss ki update aapko hum de chuke england ne toss jeeta toss jeet ke pehle bowling ka faisla kiya waqt
एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zorka Jod World Cup 2023 special. The 13th match of World Cup is going on right now. Delhi में हो रहा है ये मुकाबला जहाँ पे अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के आमने सामने है. अफगानिस्तान has got a good start. अभी तो खैर एक ही ओवर अभी शुरू हुआ तो ये 6 रन उन्होंने बनाए हैं. बट येस थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो देर लुकिंग कॉन्फिडेंट. अब देखना ये है कि ये ODI को कितने मैचेस में ODI फॉर्मेट को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनका सबसे बड़ा मसला यही है. पिछले मैच में थोड़ी सी झलक दिखी थी अबाउट पार्टनरशिप्स, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगी थी जो कि शायद आहिस्ता मुझे लगता है उस ग्रूव में आ जाएंगे. 165 बॉल्स खेले थे डॉट बॉल, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, यू आर राइट, ठीक है ना. एंड इसका मतलब है कि आपने सेब का मुरब्बा खाया, क्या मेमोरी है आपकी. सेब के मुरब्बे से दिल मजबूत होता है. अच्छा सॉरी, माय बैड. बादाम खाया. नहीं, आजकल वैसे मैं ऑन सीरियस नोट, यू नो लाइक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, इवन हम भी ट्राई करके देखें. मसवाक करने वाले को ना उनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है, नजर बड़ी तेज रहती है. अच्छा, ये जो मसवाक होती है हमारे नबी की सुन्नत है ना, कुछ नेचुरली होगा, ऑब्वियसली हर्बल, 100% सो एनीवे 165 डॉट बॉल्स खेले. इसका मतलब क्या है कि आई थिंक जोनाथन ट्रॉट जो उनका हेड कोच है वो डेफिनेटली उनको कहता होगा कि अगर विकेट हैं तुम क्रीज के ऊपर खड़े रहते हो, मेक श्योर करो. वो खुद का ऐसा प्लेयर था, वो बड़ी लंबी लंबी बारियां लेने वाला था. तो आई थिंक ये अब उसको उसका ग्लिम्स हमें पिछली दफा नजर आया. अब होपफुली इस मैच से हमें बहुत पता चल जाएगा कि आज इनकी पॉलिसीज क्या क्या है. दे गोना रिपीट दैट परफॉर्मेंस अगेन और दे गोना गो सम और तरीके से खेलेंगे. सो आई थिंक टुडे द आज के गेम के ऊपर ना आज हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या इनका माइंडसेट है. और माइंडसेट को हम जब शिफ्ट करने की बात करते हैं, मेयर, बिल्कुल माइंडसेट को शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो जिस तरह आपने मिसवाक का बेनिफिट बताया, वरना वैसे ही व्हेन यू आर डाउन एंड आउट तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सा मीठा, थोड़ा सा शुगर जरूरी होती है कि वो शुगर रश जो है वो आपको बेहतर कर सके. सो यस, अच्छी बात ये है कि टीम पाकिस्तान इज गेटिंग बैक इन टू द मोशन एंड दे have left that match behind जो कि कल हुआ, बिकॉज आज है कप्तान बाबर आजम की सालगिरह. तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे जोर का जोड़ की फैमिली की तरफ से, समा टीवी की तरफ से, समा टीवी की तरफ से, हम सब की तरफ से कप्तान बाबर आजम आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको हमेशा खुश खुरम रखे, कामयाबियां अता करे. और आपकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है. ये इनकी जितनी बर्थडे सेलिब्रेट हुई हैं, हम उसकी पुरानी बर्थडेज ये T20 वर्ल्ड कप में बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसके वीडियोस दिखा रहे हैं. उससे पहले भी किसी इवेंट में जब हैदर अली टीम के साथ थे वो उस वक्त की दिखा रहे हैं. और ये है हैप्पी बर्थडे किंग बाबर. तो बाबर की जो बर्थडे सेलिब्रेशन हैं अभी तक जो टीम के साथ ही हैं, ये भी एक अच्छी फैमिली होती है, एक अच्छा माहौल होता है. यूसुफ भाई, कितना अहम होता है ये जब आप अपनी टीम के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो इस तरह सारी खुशियों को मिल बांट के शेयर. और ये जो पहली सबसे पहली फुटेज थी, ये टीम बस जब आज बैंगलोर की तरफ रवाना हो रही थी उसकी, ये उस वक्त की फुटेज है. ये बड़ी अच्छी बात है, सारे मिल के एक दूसरे को खुशियों में शरीक होते हैं और ये एक अच्छा जेस्चर होता है और ये पता चलता है कि टीम बाउंडिंग है और आपस में बड़े क्लोज हैं सारे. तो ये एक अच्छी चीज़ है और बाबर को अल्लाह लंबी जिंदगी दे और दुनिया आखिरत में कामयाब करे. ये भी एक पुरानी चैंपियंस ट्रॉफी के जहाज के अंदर की है, जहाज के अंदर की. हाँ जी, ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौर की है, ये T20 वर्ल्ड कप के वक्त की है. और इसी तरीके से ये बड़ा अहम लगता है कि आप सारी खुशियों को मिल बांटें, शेयर करें. आज भी कप्तान की बर्थडे, तो मुझे भाई आप क्या पैगाम देते हैं कप्तान को, टीम को, इस पूरी फैमिली को? सबसे पहले तो बर्थडे विश करें बाबर को. ये कैमरा आपकी तरफ भाई, क्लोज बनाए मुशी भाई का. बर्थडे विश फ्रॉम मुशी भाई टू बाबर एंड योर सजेशंस फॉर हिम एंड योर एडवाइस टू हिम, बिकॉज obviously उसको सबसे पहले अपने आप को उठाना है कि वो पूरी टीम पाकिस्तान को. बाबर, पहले तो जैसे उमैर ने और सवेरा ने और हमारी पूरी टीम ने आपको हैप्पी बर्थडे का, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत और खैर डाले. आप पाकिस्तान के झंडे को हमेशा ऊपर रख के इसको सर्व करते रहें जितनी भी आपके टाइम है. हमारी दुआएं आपके पास हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, बिकॉज यू आर आर हीरो और हीरो के साथ हमेशा आप सारे फैन जुड़े रहते हैं. वी आर वन ऑफ़ योर हीरोज, अपने वन ऑफ़ योर फैन बेसिकली. सो बेस्ट ऑफ लक आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह खैर और बरकत डाले. इन्जॉय करो क्रिकेट को और ये जो आपकी हैप्पी बर्थडे है, आने वाले जो आपका साल शुरू हुआ है इसमें पाकिस्तान को जितनी भी फतवात मिले उसमें आपका अहम रोल है और आप इसको अदा अच्छे तरीके से कीजिएगा. यूसुफ की तरह अब ज़रा ये क्लोज़
लेकर जाए और फिर जो है बाबर को आप विश करें. आपने तो अभी रिसेंटली यू हैव जस्ट स्टेड विद द टीम एंड ऑब्वियसली आपकी एक डिफरेंट बॉन्डिंग भी है इस टीम के साथ. सो योर कमेंट फॉर बाबर आजम. मैं ये कहूँगा कि बाबर को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और दुनिया आखिर दोनों में कामयाब करे, और जो अल्लाह ने जिम्मेदारी अभी क्रिकेट की दी है उसमें भी वो पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपनी भी परफॉर्मेंस दे और पूरी टीम को उठाए. गुड लक बाबर. गुड लक बाबर. और लक बाबर बहुत मुश्किल होता है. देखें जब पाकिस्तान की कप्तानी की बात करते हैं इट इज़ नॉट इजी. आपको तो बहुत अंदाजा है ऑब्वियसली यू हैव कैप्टन द साइड और हाथ साथ ही कैप्टन. हाँ बट इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स. और मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है. एक ऐसा खेल जिस पे पूरी पूरी कॉम का फोकस है. या तो ये होता है ना, देखिए जब हम केन विलियमसन के प्रेशर की बात करते हैं बहुत और खेल हैं वहाँ पे, डिवाइडेड है वहाँ पे लोग. कोई किसी खेल का फ़ैन है तो कोई किसी खेल का फ़ैन है. यहाँ तो पूरी की पूरी कॉम एक साथ आके यकजा होती है क्रिकेट के ऊपर. इसलिए हर बंदे का अपनी एनालिसिस होता है, हर बंदे का अपना बयान होता है. इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. ईजी नहीं है. हाँ. उसकी काफ़ी वजूहत हैं. उसमें से एक बड़ी जो एक दो बड़ी वजूहत वो ये है कि जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं उसको कुछ टाइम दें. yes. उसको एटलीस्ट 3-4 साल दें, उसको देखें वो क्या कर रहा है. किसी को एक सीरीज के पास, किसी को दो. और दूसरी जो बड़ी वजूहत ये है कि हमारी कौम जो है ना ये पाकिस्तान को देखना चाहिए, किसी शख्सियत को नहीं देखना चाहिए. बहुत अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो फ़ायदा होगा. अभी भी जो ट्वीट्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं अगर उनको अगर आप ध्यान से देखें, कई ट्वीट्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारे लिए भी सबक है, हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, कि कई ट्वीट्स बहुत सही आए हैं. उनको देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और उसको जज्बाती तौर पर नहीं देखना. आगे क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, अभी पाकिस्तान अभी एक मैच हार रहा है. और पाकिस्तानी कौम को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, टीम को भी. हम 92 में भी आउट ऑफ 3 92 में तो हम बिल्कुल ही पीछे थे और फाइनल अल्लाह ने जिता दिया, बिल्कुल ही पीछे. 92 की एग्जांपल. आई होप एक नया साल अब आए जहां हम वर्ल्ड कप जीते और हम 92 की एग्जांपल से आगे बढ़े. एक और साइन मैच हो गया, पाकिस्तान 92 में भी इंडिया से हारा था. वो तो हारते ही आ रहे हैं, वो तो हारते ही आ रहे हैं. 92 में भी इंडिया से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारा था, यही थी निशानी. और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी थी उस वक्त भी, हल्की थी. तो देखिए होम में भी और यही राउंड रोबिन सिलसिला था तब. 92 में बारिश का इंतजार कर ले किसी मैच में. वो भाई जैसी एक पार्टनरशिप इंग्लैंड के खिलाफ हम टोटली हार गए हुए थे. हाँ, वो अल्लाह ने बचाया बारिश के जरिए. अब देखो ना लोग कहते हैं कि आप यहाँ बीच में अल्लाह को ले आते हो. भाई अल्लाह ने बचाया था वो. हाँ, वो बारिश ना होती वो आप बाहर हुए थे. अल्लाह ने देखे ना हमारे बॉलर को बैटर बना दिया, क्या एकदम स्किल्स आ गए वहां पे. बैटर और इसलिए तो आपने मुझे बैट्समैन बना दिया उसके बाद. आपसे फिर ये सवाल जरूर बनता है, अभी टीम पाकिस्तान में किसके पास ये पोटेंशियल है जो मुश्ताक अहमद बन सके 92 का. Oh, very, very difficult question. Yes. No, no one can be like me. Oh. I am trying to be modest here now. Yeah. But नहीं, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं. सिर्फ बिलीव करें. Yes. Pressure off कर दें. You know, like pressure off करेंगे. Mentally, they should be playing very aggressive cricket. Yes. टाइगरों की तरह लड़ें. जैसे एक आवाज आई थी 92 में. जैसे कहते ना आपने कहा, आप दोनों ने कहा कि रिजवान मेंटली स्ट्रॉन्ग है. मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि जब हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं होती ना तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारी पार्टनरशिप लगी है अमाम की और अब्दुल्ला शफी, आपने देखा है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे इकट्ठे हो रहे थे. पूरा थिंक टैंक, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे इकट्ठे हो रहे थे. ये एक इसका मतलब है कि वो सिचुएशन से घबराई नहीं. उन्होंने कहा कि लेट्स डू समथिंग एल्स, प्लान प्लान करते हैं. तो आई थिंक जैसे उस बॉल से पहले आप देखेंगे उनकी प्लानिंग हुई है, वो डिस्कस हुई है रोहित शर्मा की, सिराज की और दूसरों की. उसके बाद उन्होंने फील्डर एक ऊपर बुलाया, आई बिलीव फाइन लेग वाला ऊपर बुला के स्क्वेयर लेग को पीछे किया है. अब एज ए बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी स्ट्रेटजी नहीं है. आपने बैट्समैन को बता दिया कि शायद मैं बाउंसर मारूंगा. वो बॉल मैंने गौर से देखा है, वो इतना पीछे वाला बॉल नहीं था. वो अब्दुल्ला शफीक इस तरह खेल गया जो यूसुफ ने कल डिस्क्राइब भी किया है
कि इस तरह नहीं खेलना चाहिए था उसको, हाफ बैट से नहीं खेलना, क्रॉस नहीं खेलना चाहिए था, बिकॉज व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द शॉर्ट बॉल ना, अगला बॉल का आप इंतजार नहीं कर रहे होते. जब आपका वेट पीछे होता है ना, तो सडनली ये वाला बॉल जब आपको नजर आता है आगे, तो आप ऐसे खेल जाते हो. इसलिए ये इस पूरे ऐसे खिलाड़ी के पीछे वो जो 40 सेकंड 50 सेकंड थे ना, जो कम्युनिकेशन उनकी हुई बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही हुआ है जो ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा. लेकिन ये जो अपर ऑर्डर प्लेयर होते हैं वो इसमें नहीं आते. अच्छा, वो अगर आएंगे तो फिर वो बैट्समैन में आ जाए कि उन्होंने फील्डर पीछे ले लिया तो अब मैं बाउंसर आया नहीं और मैं बाउंसर के लिए तैयार नहीं. ये नहीं, ये टेल एंडर्स के लिए हो सकता है. आप कोई ऐसा प्लेयर हो जो इतना वो नहीं है, ये तो हैव टू, आपको तो रेडी रहना हर बॉल के लिए. हाँ, तो यूसुफ यही तो हम कहते जो आ रहा है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं हूँ, कोई हो, आउट हो जाना जो मुसीबत बता रहे हुआ ऐसे ही है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए. आपकी आपकी जो प्रैक्टिस है वो मैच वाली होनी चाहिए. अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मुझे वो कहा मुझे भाई मुझे वहाँ भी बाउंसर भी करने आगे भी गए, मुझे नहीं पता चले कि कौन सा आप बॉल कर रहे हैं. मुझे प्रैक्टिस ऐसी करनी मैच. अगर ये प्रैक्टिस होगी आउट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आउट नहीं हो सकते. अब्दुल्ला शफीक ने भी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जो व्यूअर्स को हम बताना चाह रहा हूँ मैं कि हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि मैंने रेडी तो रहना अगले बॉल के लिए, लेकिन मेरे इतना अच्छा फुटवर्क, इतना अच्छा वेट शिफ्ट होना चाहिए कि जैसे बाउंसर आएगा मैं बैठ जाऊँगा, या मुझे लगेगा कि मैं इसको मार सकता हूँ मैं मारूंगा, नहीं तो आगे बॉल आएगा तो मैं आगे ड्राइव करूंगा. प्रोएक्टिव होना पड़ेगा बिल्कुल. मतलब भाई की जो बात है 100% सही है, ऐसे ही हुआ है. क्योंकि एक्चुअली हम कहते तो हैं जी दिस इज अ टीम गेम, दिस इज अ गेम ऑफ 11, बट जिस वक्त एक बॉलर रन अप लेता हुआ आ रहा होता है, इट इज जस्ट अ गेम ऑफ टू, एक तरफ बॉलर और दूसरी तरफ बैटर, बस उनका कॉन्टेस्ट होता होता है उस वक्त. उसके बाद जो भी इक्वेशन बने वो बने, स्विच ऑन ऑफ. तो आपने हमारे एक सेइंग है जो कोचेस, यू नो लॉट्स ऑफ कोचेस डू दैट. हमारा एक सेइंग है प्ले बॉल एट अ टाइम, वन बॉल एट अ टाइम, बॉलर्स को भी बैट्समैन को भी. और जो यूसुफ ने डिस्क्राइब किया बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये इंसानी फितरत है कि यू गेट ट्रैप. जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर क्यों बनता है, यूसुफ या इंजमाम या सईद अहमद हमारे पाकिस्तानी या बाबर या कोई भी जो इस वक्त, ये बड़े प्लेयर इसलिए बन जाते हैं कि इनके टेम्परामेंट में ये क्या करते हैं, ये देखते हैं अच्छा ये हो सकता है बाउंसर. ग्रेट जुवेद मियां यूज टू से दिस, हम जुवेद भाई हमेशा एक बात बोलते होते थे कि गेट रेडी फॉर ऑल द बॉल्स. आपके हु मेड अ कंप्यूटर, हमेशा कहते थे, क्योंकि लैंग्वेज थी बड़ी आजाद सही कहते थे कि कंप्यूटर किसने बनाया, इंसान ने. कितनी चीजें फीड कर सकते हो तुम उसमें, वहाँ का बिलियंस, तो तुम छह बोले अपने दिमाग में फीड नहीं कर सकते क्या? ऐसे जबरदस्त बात कि छह बॉलों के लिए आपने मेंटली, क्योंकि आपका अगर ये ब्रेन काम कर रहा होता ना तो आप हर बॉल के लिए रैक कर देते हो. जब आप कहते हो ना ये पीछे करेगा मैं इसको मार दूंगा, इसका मतलब पांच बॉलें आप जेन से निकल गई आपकी, वो निकली नहीं तो फंस गए. बड़ा फेमस है वो, कोई एनालिस्ट शायद उनको लैपटॉप पे कुछ दिखा रहे, ये कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ ये कंप्यूटर है. ग्रेट है, वो भी आउट हुए हैं, वो भी ट्रैप हुए, बिल्कुल हुए, बात इसमें है ही नहीं, लेकिन मोस्टली टाइम निकले होंगे, मोस्टली टाइम निकले. क्योंकि अच्छे प्लेयर की निशानी ये है कि 10 में से 7 या 6 मरतबा वो रन्स करेगा. जो हल्का प्लेयर होता है उसके 10 में से 3-4 बार रन होते हैं, ज्यादा नहीं होते. इसीलिए जो ग्रेट होते हैं, जैसे ग्रेट ग्रेट जुवेद भाई का नाम लिया इसीलिए है, तो वो रन करते थे 50 से नीचे एवरेज ही नहीं आई टेस्ट में, तो परफॉर्मेंस दी हुई तो ग्रेट कह रहे हैं ना. अगर वो भी 3 मैचों में करते, 7 में फेल होते, तो आई ग्रेट कोई ना कहता. बिल्कुल सही. तो वो यू सी सुनील गावस्कर से ना, मैं इंजमाम, इंजमाम कहता है यार मैंने सुनील गावस्कर से कुछ पूछना बैठे, तो इंजी कहता है कि मैं कंपल्सरी पुलर और हुकर हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता पिछला बॉल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि इसकी प्रैक्टिस छोड़ दो.
अगले बॉल की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। अब सुनील गावस्कर ने बड़ी सिंपलफाई कर दिया, तो इंजी कहता है कि अगर पीछे होगा तो कहते हैं पीछे या खुद छूट जाएगा या खुद लग जाएगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। प्रैक्टिस उसकी करो जिसके ऊपर तुम्हारी वीकनेस है, बिकॉज दैट केम नेचुरली टू यू, वो तो नेचुरली आएगा। एब्सोल्युटली, तुम आउट LBW क्रॉस, तुम्हारी टांग गिर रही है, तुम्हारे LBW हो रहे हो, तो तुम क्या करो अगले बॉल की वॉल्यूम प्रैक्टिस इतनी रेपिटेशन करो, इतनी रेपिटेशन करो कि उसका फर्मा, तुम्हारा जवेद भाई कहते हैं फर्मा फिट कर लो अपना, कि तुम्हारा गेंद उधर गिरते ही तुम्हारी टांग भी, तुम्हारा सर भी चले जाए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। ये लेजेंड्स की सारी बातें हुई जिस तरीके से लेजेंड्स ने बताया, और एक पूरी हमारी कहते हैं कि लॉट पूरी तैयार हो गई, उन्होंने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को जितवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये सब वो उनकी ट्रेंड हुए हुए सारे खिलाड़ी थे। अच्छा, एक ICC ने वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तानी 5 खिलाड़ियों से पूछा कि पुल शॉट किस खिलाड़ी की अच्छी है, तो 5 के 5 पाकिस्तानी लड़कों ने कहा, जिसमें आपके 3 बॉलर्स थे, हारिस राव, हसन अली, शादाब खान, सबने कहा हिटमैन रोहित शर्मा, और उसी बॉल पर हमने शर्मा से छक्के खाए, 5 छक्के कल हमें शर्मा ने मारे। तो हम ये बात मान भी रहे कि रोहित शर्मा अच्छी पुल शॉट करता है, उसका पहला नाम पुल शॉट का जहन में हमारे रोहित शर्मा का नाम आता है, और हम वही बॉल उसको करवा के उसी बॉल पर छक्के खा रहे हैं, फिर ये यहाँ पर कसूर किसका हुआ? अच्छा, वेरी वैलिड क्वेश्चन, अगर उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दी जी, बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब वीडियो है जिस अच्छा पर अच्छा नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छी पुल मारता है और आराम से छक्का मारता है ऊपर पर जितनी मर्जी। कल उसने हारिस राव 150+ का बॉलर है, वो उसने सीधा छक्का मारा है कल उसको, कल मतलब यूसुफ बैठे होता है एज ए बैट्समैन, यूसुफ का देखो इसकी टांग और इसका सर कितना अलग गया है बॉल के ऊपर, 145 और ऊपर से स्पीड, सामने छक्का मारना आसान काम नहीं है। इसका मतलब जब आप बैट्समैन को, फिर तो हमारे बॉलर्स का कसूर है कि अगर उन्होंने पीछे बॉल किया ना, बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा कि वो पुल अच्छी मारता है, तो फिर यहाँ तो पुल के ऊपर आपने कहा जी हमने चांस लेना है, चांस मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग एरिया उसके ऊपर नहीं जाना, तो आप फिर कोशिश करें कि आप उसको आगे करें, तो आगे करने से अगर वो मार खाता है, मार आपको पड़ती है, तो इसका मतलब है जस्टिफाई इंडिया को बहुत हराते थे ना शारजा में या इधर उधर, जब आपस में मैचेस दुनिया में हर जगह हराते थे ना, एक चीज हम करते थे, वी विल नेवर थिंक अबाउट, उनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं कि उनका प्लेयर कौन है, हमारा ये यकीन होता था कि वी हैव टू रिमेंबर आवर स्ट्रेंथ, उसमें जब प्लान तो करते होंगे ना, ऑफ कोर्स, आप मतलब आपको अगर पता है कि एक प्लेयर जो है वो स्पिन नहीं अच्छी खेल सकता या वो बाहर की बॉल पे फंस जाता है, उसकी ज्यादा रिपीटेटिव जो आउट्स हैं वो बाहर की बॉल पे हैं, वो बाहर की बॉल को छोड़ भी नहीं सकता और वो मार देता है उस पर शॉट जहाँ बॉल खड़ी हो जाती है, सो आप फिर वही ट्रैप करने की कोशिश करते हैं ना उस प्लेयर, 100% कल प्लान क्यों नहीं देखा ना, बॉलिंग में हमने ट्रैप करने, किसी एक बैटर को हमने ट्रैप करने की कोशिश नहीं की, हम उस बैटर की गलती का इंतजार करते रहे, किसी एक बॉलर पे हमने वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देखा, कुलदीप यादव के अगेंस्ट हमने क्या प्लान किया हुआ था, कोई एक बैटर हमें उस प्लानिंग से उसको हैंडल या टैकल करता हुआ नहीं देखा, ही वॉज डोमिनेंट ओवर अस, क्या प्लान नहीं था या एग्जीक्यूट नहीं था? आई थिंक उन्होंने बैटिंग में, अगर मेरी राय है, पता नहीं यूसुफ की क्या राय हो सकती है, मेरी राय में ये है, उन्होंने आपको प्लान करने ही नहीं दिया पहली बॉल से। जब आपको एकदम, आप बॉक्सिंग देखते हैं ना मैचेस, अगर आपका आपका जो ऑपोजिशन आके आते पंच मारना शुरू कर दे ना, आपको ठा 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 मारना शुरू कर दे, तो आपको राउंड का वेट करते हो कि यार जल्दी जल्दी ब्रेक हो तो मैं कुछ सोचूं, वो बचने के चक्कर में पड़ जाता है, प्लान कहाँ पे, सर्वाइवल मोड, सर्वाइवल, यू नो, बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक, रोहित ने पहले बॉल पे आगे मारा था, हारिस राव ने पहला बॉल किया सीधा छक्का, अब मेरे प्लान तो गए जेन से, मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। फिर इसमें होता पता क्या था, जब ऑस्ट्रेलिया हमें बहुत फेंटा लगाता था, हमें मार पड़ती थी, तो हम पता क्या करते थे, दुआ यकीन करे प्लान भूल जाते थे, फिर ये दुआ करते थे टी के बाद ही हमें बारी दे देंगे, ये खुद डिक्लेयर कर देंगे, मतलब ऐसा भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कई दफा, और तो कभी कभार ऐसा सोचने पे मेरा ख्याल से कंटिजेंसी स्ट्रॉन्गली प्लान हो पाती है कि नहीं हो पाती, उसके लिए कप्तान को बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा और जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है उसको बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, क्विक ब्रेक पे हम जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर। जोर का जोर में अब हम बात करेंगे इस वक्त जो कल का मैच था उसके वाले से डिस्कशन मारी जा रही है। अभी अफगानिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया है अगेंस्ट इंग्लैंड
और बेशक ये बैटिंग ट्रैक है लेकिन कल के मैच में भी बैटिंग ट्रैक था। उस हवाले से भी हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं लेजेंड्स हैं यही बात कर रहे थे कि इस ट्रैक पर किस इंटेंट से बैटिंग की जाती है। वो अफगानिस्तान की बैटिंग को देखकर आज हमें यह एहसास हो रहा है कि इस अंदाज से आपको बैटिंग की जाती है, 56 रन बना ली हैं बगैर किसी नुकसान के। इससे पहले कि आगे बढ़ें, स्पार्क के लकी विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे। कल का जो सवाल आपके सामने रखा था जिसे जीता है स्पार्क का स्मार्टफोन उनका अनाउंस करेंगे और आज का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। और कल का सवाल था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इनिंग में 5 विकेट्स लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है, तो ये भी हमारे लेजेंड्स में से ही एक हैं। और जी आप बताएं मुशी भाई, हम अपने पैनल में से बता रहे हैं वर्ल्ड कप में 5 विकेट सबसे ज्यादा लेने का एजाज़। वर्ल्ड कप में मुशी भाई, नहीं 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 शायद अफरीदी नहीं, शायद अफरीदी है। हाँ, शायद अफरीदी नहीं, शायद अफरीदी है एंड शायद अफरीदी है मुशी भाई। ओके, दुरुस्त जवाब है शाहिद खान अफरीदी। लाला लाला के नाम भी है जी, ये रिकॉर्ड भी लाला के नाम पर है। लाला ने 2 बार जो है ये कारनामा सर अंजाम दिया है और इसका जवाब दिया है नईमुल्ला ने, खैरपुर मीर से उनका ताल्लुक है। तो नईमुल्ला आपको स्पार्क्स स्मार्टफोन बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो शाइन विद स्पार्क्स। नईमुल्ला आपको बहुत बहुत मुबारक हो स्पार्क्स का ये S3 स्मार्टफोन। अच्छा जी, आज का सवाल जो है वो सामने रखते हैं, वर्ल्ड कप की एक इनिंग में विकेट के पीछे पाकिस्तान के किस विकेट कीपर ने सबसे ज़्यादा शिकार किए हैं, किस विकेट कीपर ने सबसे ज़्यादा शिकार किए हैं ये आपने बताना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है और 03466503661 इस नंबर पर अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस आपने व्हाट्सएप करना है और सही जवाब देना है और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सो जल्दी से जवाब दीजिए और इस दौड़ में शामिल हो जाइए। मगर हम जो अभी आज के मैच की बात कर रहे हैं और हम इस वक्त जिस तरह अफगानिस्तान को देख रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, मुशी भाई फिर ऑब्वियसली कल के मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, हम बार बार उस मैच पे वापस डीरेल इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आंसर्स। 5 दिन हैं हमारे पास, 20 अक्टूबर को हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, वो भी ज़ख्मी है, हम भी ज़ख्मी हैं और हम दोनों ने 2 जख्मी शेर आमने सामने होंगे। डर इस बात का भी है कि ऑस्ट्रेलिया उन दोनों का गुस्सा हम पे ना उतार दे और हम क्या करेंगे उस डॉन्टिंग हार से कल की, हम कैसे उठ कर आएंगे। अफगानिस्तान ने यहीं दिल्ली के मकाम पे जो है वो इंडिया से मुकाबला किया था, दे मेड 272 एंड 273 का टारगेट दिया, हम तो वो फाइट भी नहीं दिखा सके। वॉज इट द डिफरेंस ऑफ द ग्राउंड, वॉज इट द डिफरेंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स, वॉज इट द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर और वॉज इट आर एबिलिटी? I think bit everything. Yeah. To be very honest, हर चीज़ को अगर देखा जाए तो वो हर चीज़ उसमें एक पार्टिसिपेट नज़र आती है। मगर जो एक पांड्या ने एक बात की थी इंटरव्यू अगर उसका देखा जाए, हम कभी भी गेम से बाहर नहीं हुए इसी की वजह से, बिकॉज जिस तरह ही हैज़ बीन वेरी मॉडस्ट सेइंग दैट कि थोड़ी सी टिमिड थे हम, थोड़े से नहीं, हम काफ़ी टिमिड थे। आई थिंक इसका सवाल के अंदर इसने अपना खूबसूरत जवाब दे दिया। Yes. और ये आपके सवाल का जवाब जो है ना वो एक्चुअली पांड्या ने दे दिया। इट्स नो पॉइंट मी टू से और यूसुफ से दिस थिंग्स, क्योंकि बाबर और रिजवान के ऊपर जो प्रेशर जो नई चांस ले रहे थे, मैं अगर पॉजिटिव चीज़ बहुत सोचूँ ना तो ये था कि वो दे डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज द मिडल ऑर्डर टू अर्ली। ये लगता है मुझे कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे थे कि एंड में अगर पकड़ लेंगे इनको, 2-4 ओवर और देखते 35 ओवरों के बाद आई थिंक दे, मुझे लग रहा था कि उन्होंने खुला खेलना शुरू कर देना। मगर जो पांड्या ने बात की है ना कि वी वर इन द गेम ऑल द टाइम, वी न्यू दैट कि अगर एक विकेट भी यहाँ पे गिरती है तो हमारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो आई थिंक वही हुआ जो हम बार बार उस शो में भी कह रहे थे, हमारे जो उस दिन का शो था उसमें सारे यूसुफ भी, अफरीदी भी, मैं भी, सारे आप लोग भी कह रहे थे कि आई थिंक वहाँ पे इंटेंट हमारा तगड़ा हो सकता था। जब हमारी पार्टनरशिप 40-50 की लगी है उसके बाद हमें खुला खेलना चाहिए था, एटलीस्ट एक बंदे को खुला खेलना चाहिए था ताकि प्रेशर बिल्ट अप हो, स्कोर रन का, रन स्कोरों का प्रेशर उनके ऊपर बिल्ट अप हो। अभी ये जो हमने जो पांडे ने बात की ना, एक्चुअली अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी जाए ना तो यही थी वैसे। अच्छा मुझे भी उस दिन का शो नहीं, वैसे कल का शो माशाल्लाह से, कल आप लोगों ने इतने शो किए हैं, इतनी देर बाबर और रिजवान क्रीज पे नहीं मौजूद रहे जितनी देर आप लोगों ने शो किए। हमारा कोई पार्टनरशिप लगाई है आप लोगों ने, कल इंटेंट बड़ा तगड़ा था वैसे, स्पेशल के लिए तालियां। अच्छा मुझे भी एक, हमने इसी शो में एक जो है हमने डिस्कशन की थी अभी, जो पांड्या ने भी बात की कि एक ही स्टाइल पे दोनों लड़के जब खेल रहे हैं, तो हमने ये डिस्कशन की थी कि अब्दुल्ला, इमाम, बाबर, रिजवान, साउथ, एक टाइप ऑफ प्लेयर, एक काइंड ऑफ प्लेयर और सब लोग टाइम लेते हैं और एक ही जो है इंटेंट है इनका खेलने का, एक ही स्टाइल है इनका खेलने का, तो हमें इसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया था।
देखें जैसे ही वो विकेट गिरी ना बाबर की आउट, बाबर जैसे आउट हुआ ना, उसके बाद जो प्रेशर पड़ा है ना जो मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर है, वो आपके पास ठीक है, ऑल दे वांट टू डी के जी जिस तरह इफ्तिखार है वो भी बॉल लेता है. साउथ शकील थोड़ा सा इनके इनसे ज़्यादा बिजी प्लेयर है. साउथ शकील को जितनी भी हमारी इनिंगें देखी है ना, क्योंकि यूसुफ तो उसके साथ रह चुका है, यूसुफ ने काफ़ी काम किया उसके साथ, वो जाते ही सिंगले सिंगले ले रहे. मुझे कल एक डाउट सा क्रिएट हुआ उसके, जो कल स्पिनर को कुलदीप को कल वो खेला है, तो मुझे लग रहा था कि उसको रीड नहीं कर रहा था, तो उसको कोशिश कर रहा था दोनों स्पिन खेलने की. उसके अंदर जब आप रीड नहीं किसी को करते तो एज ए बैट्समैन आप कई दफ़ा आपकी टेक्निक एक्सपोज होने लग जाती है, आपको पता नहीं चलता कि आगे से पकड़ना है पीछे से पकड़ना है. जब आप रीड नहीं कर रहे होते तब आप एक्सपोज होते हो. तो आई थिंक कल थोड़ा सा जो हमें लगा है वो सिर्फ यही लगा है कि अगर वहाँ पर इंटेंट अगर से बाबर आउट हो जाता है, रिजवान उस वक्त एक बंदे को चांस लेना चाहिए था नवाज को भेज के ऊपर कि जाके यार खुला खेलो, क्योंकि उसके पास इफ्तिखार और उसके ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाना था. अगर ये चांस था ना आउट भी हो सकता था, मगर अगर वहां पे दो तीन ओवर उसके लग जाते, दो तीन चौके आ जाते, 15-20 रन तेज होता तो 160 से सीधा हमने 190 पे पहुंच जाना था. और 190 का मतलब है फिर आपके पास 13-14 ओवर होने थे जिसके ऊपर इफ्तिखार और सऊद और ऑल दोस गाइस यूटिलाइज कर सकते थे. मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल एक बैटिंग लाइनअप, उसमें फिर आपको कहीं ना कहीं इनोवेट कुछ करना पड़ेगा और कुछ डिफरेंस लाना पड़ेगा स्पार्क लाने के लिए. सो यस, कोई ना कोई तो डिफरेंस देना पड़ेगा. मगर साथ ही साथ जोर का जोड़ की फैमिली के एक और मेंबर ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी. लाला अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को. वालेकुम सलाम. बिल्कुल लाला, आप तो एज यूजुअल फ्रेश एंड आई होप अभी इस वक्त कुछ ना आप खा रहे हो, बिकॉज फिर आपको देख के ना हमें भूख लगने लगती है. सवेरा अभी नाश्ते पे आया हूँ किसी दोस्त के घर पे, शेफिंग में हूँ और बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे, मजेदार ठंड शुरू हो गई है जी. बस यहाँ पे कल लाहौर में भी जो है वो बकायदा ओला बारी हुई है और इट वाज अ हेल स्टॉर्म यस्टरडे. ज्वालाबारी, अच्छा ओले हम कहते हैं, ओले पड़े हैं और ज्वालाबारी हुई है. थैंक यू वेरी मच. सो लाला, मेरा ख्याल से कल का जो मैच हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया का, मतलब लाहौर का आसमान भी रो पड़ा वो देख कर. सवेरा ऐसे नो डाउट देखिए सबको डिसअपॉइंटमेंट काफी रही है, इसलिए कि हार जीत हम बात करते रहते हैं कि कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन इस तरह की जो हार होती है ना वो थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है. लड़ो, आप लड़ के खेलो, बैटिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, बॉलिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, फील्डिंग में लड़ते हुए नजर जब आता है ना तो बंदा कहता है नहीं यार ठीक है एटलीस्ट हमने एफर्ट की थी लेकिन नहीं हो सका. लेकिन जब एफर्ट ना हो, एक्सपेक्टेशन भी हो और जिन प्लेयर्स की हमें ज्यादा जरूरत हो परफॉर्मेंस की उस दिन पे और वो परफॉर्मेंस ना कर सके तो उस चीज का ना अफसोस बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि वर्ल्ड कप हाइप इसलिए होती है कि 4 साल बाद आता है, ये बड़ा वर्ल्ड कप होता है, काफी हाइप होती है इसकी और काफी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है इन प्लेयरों से. आप वर्ल्ड कप की तैयारियां करना शुरू करते हैं, टीमें बनाना शुरू कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन सारा कुछ, तो इंतजार रहता है, उम्मीद रहती है, लेकिन इस तरह की हार बर्दाश्त करना ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. लड़के हार जाओ कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम भी बहुत दफा लड़े हैं, हारे हैं बहुत दफा, लेकिन वो एफर्ट जो है ना वो नहीं होती ना तो वहां मायूसी बहुत होती है. अच्छा इसमें शाहिद क्या हाल है, खैरियत से आप, ठीक ठाक हो आप जी? मेरी जान, वालेकुम सलाम. अच्छा ये पता है क्या, मैं एक बात इस पे करना चाहूंगा, आप मैच से पहले आप स्कोर को सेट नहीं कर सकते इन पिचों के ऊपर. मुझे लगता है कि बाबर का ये माइंड सेट नहीं है. बाबर जिसको जितना मैं बाबर को जानता हूँ, यो आपने ओवर टू ओवर बॉल टू बॉल एट अ टाइम खेलना होता है. व्हेन यू डिसाइड 280 इस पिच के ऊपर होगा, आई थिंक दैट इंटेंट फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, वहाँ से मुझे लग रहा था कि ये इंटेंट इन्होंने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ है कि 280-290 कर लेंगे तो हम इनको मुश्किल टाइम दे सकेंगे. उसी की वजह से ये बीच में चांस नहीं दे रहे. 280 सोचते हैं तो 230 होता है. नहीं, बिकॉज 300 सोचना, आपने गोल सेट नहीं कर, आउटकम इतना लंबा नहीं सोचना होता, आपने सिर्फ ओवर टू ओवर खेलना होता है. पार्टनरशिप जब बिल्ड कर रहे होते हैं ना, 280 का सोचते हैं ना तो पता क्या सोचते हैं आप, जब 280 का सोचते हो ठहर जाओ अभी बहुत ओवर पड़े हैं, अभी रिजवान ओ पड़ा है, इफ्तिखार पड़ा है, सऊद पड़ा है, अब ठहर जो, अगर कोई ओवर नहीं, दो ओवर अच्छे गए उनके कोई बात नहीं, विकेट नहीं लूज करनी, विकेट लूज नहीं करनी, सो यू आर गोइंग बिहाइंड द गेम. ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की जो हम 5 फील्डर सर्कल के अंदर हैं, आपने ठाक ठाक 2 ओवर अच्छे हुए तो चांस लेना पड़ता है, मिड ऑन के ऊपर से टिपानी पड़ती है शॉटें आपको. आई थिंक वो जो माइंड सेट हो रहा है ना, जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो
इन पिचों के ऊपर 282 कोई चक्कर नहीं है। आपने कहना पांच ओवर देखते हैं, फाइव रन ओवर जाते हैं, फोर रन ओवर जाते हैं, फिर सेवन रन ओवर जाते हैं, एट रन ओवर जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट स्कोर करते हैं। जब आप ऐसे करते हैं ना तो आपको पता चलता है 35-36 ओवर में आप 190 200 के ऊपर खड़े हो, अब आखिरी 12 ओवर में आप आराम से 100 कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। मगर आप अगर पहले ही माइंड सेट ये 270 280 290 का बना लेते हैं ना तो यू एक्चुअली ब्रॉट योर सेल्फ इन नेगेटिव सिचुएशन। आई थिंक ये मुझे लगता है कल ऐसा हुआ। बट लाला देखें, अब तो जो हुआ सो हुआ, कल का एक मैच गुजरा, दो के अगर मैं प्लेयर्स के डिफेंस में बात करूं तो इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि वो इतना, इनमें से हमारी जो पूरे आप प्लेयर्स देख लें, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स ने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, बहुत कम मैचेस खेल के ये इस हाई प्रेशर मैच में गए थे, इनको ये सब एक साथ मतलब इस उस पे हैं, उस एज ग्रुप पे हैं, उस एक्सपीरियंस पे हैं कि कोई उठाने वाला नहीं है इनको। ये जब फील्ड में कहीं गिर जाते हैं, आप लोगों के पास सीनियर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज होता था कि कहीं अगर आप इधर से उधर डीरेल होते थे, जिस तरह कल जब थोड़ा सा दिखा कि पार्टनरशिप पाकिस्तान की सेट हो रही है तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा ये तीनों आके खड़े हो गए और इन्होंने आके हेल्प आउट किया सिराज को कि तुमने अब ऐसे बॉलिंग करानी है, तुम फंसना नहीं, तुम क्योंकि विवट बॉलिंग कर रहे हो। ये भी तो मसला है हमारे प्लेयर्स का कि हम उनके पास भी कोई सपोर्ट इस तरह के नहीं है। कैन दिस बी वन आर्ग्यूमेंट? सवेरा एक्सक्यूजेस ढूंढना है तो फिर तो आपको मिल जाएंगे। क्रिकेट में एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढना बहुत इजी होता है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल इस बात से आपकी एग्री नहीं करूंगा कि एक्सपीरियंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। सारे लड़के कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, वही बैट बॉल है जो डोमेस्टिक में आप लेके चलते हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट सबको पता है कि आपको एक प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस चाहिए ना आपसे, परफॉर्म करना है आपने, हमें तो ये एक्सपेक्टेशन है ना। तो एक्सक्यूजेस अगर ढूंढना चाहो तो बहुत ज्यादा है। मैं इस टीम से जो था, क्योंकि मैं अभी तक जब तक ये पूरे मैचेस पाकिस्तान टीम नहीं खेलती, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सपोर्ट करता रहूंगा पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि हर चीज है इस टीम के अंदर, मुझे मैं क्या चीज ढूंढू जो नहीं है इस टीम के अंदर, हर किस्म के स्किल्स मौजूद है और मैं आखिर तक इंशाल्लाह इस टीम को सपोर्ट करता रहूंगा। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस जो मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि गोरा कोच है, गोरी की सोच अलग है, वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट पे बिलीव रखता है, वो ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेलने देता। आप ज्यादा डॉट बॉल खेल रहे हो उसका मतलब है आप अपने ऊपर प्रेशर लेके आ रहे हो, जो नीचे बेंच पे लड़के बैठे हुए उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो आपको बॉल टू बॉल खेलना पड़ेगा। अटैकिंग का पहले भी कह चुके कि मतलब ये नहीं कि छक्के चौके से अटैक होते हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें, आप अगर 35 बॉले या 35-40 रन पे हो तो लंबा खेलो, इम्पैक्ट प्लेयर नजर आओ, अपने आप को जो प्लेयर्स हैं हमारे वो लेके आओ, विराट कोहली के उस पे लेके आओ, उस लेवल पे लेके आओ, स्मिथ के लेवल पे लेके आओ, आप इम्पैक्ट नजर आओ। बड़े मैचों में उम्मीद होती है हमें बड़े प्लेयरों से, परफॉर्मेंस की, पार्टनरशिप की, तो वो चीज हमें नजर आनी चाहिए, वो चीज बड़े मैचों में नजर आनी चाहिए बड़े मैचों में। और विराट कोहली की बात की तो विराट कोहली के साथ जो एक शर्ट का इंसिडेंट था वो भी हम चाहेंगे कि अगले पार्ट में डिस्कस करें, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। और बात कर रहे हैं तो इंटेंट जो अभी अफगानिस्तान ने शो किया है, 10 ओवर्स में 80 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के, ये है इंटेंट अगेंस्ट इंग्लैंड। अफगानिस्तान जो है वो आज मैदान में उतरी है, परफॉर्म करी, गरबाज ने अपनी 50 भी मुकम्मल की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और कल के मैच का डिस्कशन हमारी जारी, उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से हैं और जिस तरह हमारी पूरी ये डिस्कशन चल रही है खैरियत से ही रही है, बिकॉज यस, कल हुआ मुकाबला पाकिस्तान टीम और इंडिया का, सबके दिल बहुत दुखे हुए, मगर हो गया, गुजर गया ये सिलसिला। एक मैच था, दिस वॉज द थर्ड मैच, तीन में से दो मैचेस टीम पाकिस्तान ने जीते हुए। आई थिंक वी शुड मूव ऑन एंड व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होना है अब, बिकॉज अब जो है आज टीम बैंगलोर के लिए रवाना हो गई है और बैंगलोर पहुंच के हमारे पास गुड 5 डेज होंगे जहां हम आमना सामना करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया का। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ टीम पाकिस्तान, इस वक्त अफगानिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो 105 फॉर नन अफगानिस्तान, और ये 14th ओवर का जो है वो इख्तिताम हो गया है, विच मीन्स अफगानिस्तान इज क्रूजिंग रियली फास्ट। बैटिंग कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, इंग्लिश बैटर्स भी उसी तरह उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊँगी इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं। अफगानिस्तान अभी जिस तरह चार्ज करके खेल रहा है, इन कंडीशंस के हिसाब से अपेरेंटली इंग्लैंड भी इसी तरह खेलेगा फर्दर।
ऑब्वियसली ऐसे ही खेलेगा और अगर कंडीशंस ना भी हो तो वो कोशिश ऐसे ही करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। अगर धर्मशाला में उनका मैच जो हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वो वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी में वो कामयाब भी हो गया। हालांकि जो ब्रेस्टो बहुत बुरा लग रहा था खेलते हुए, उसको समझ ही नहीं आई थी बॉल आ रही कहाँ जा कर रही है, लेकिन मिलान ने उसको कवर किया, मिलान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। तो इन्होंने विकेट्स को नहीं देखना, इन्होंने अपनी गेम खेलनी, जो मॉडर्न डे की क्रिकेट इन्होंने अपने जहन में और अपनी पूरी नेशन को और अपनी टीम को बताई, इन्होंने वही खेलनी चाहे ये हार जाए, इन्होंने खेलना वैसे, यानी इनका बेसबॉल किसी वे से बाहर नहीं। हाँ, ये अब मेरा नहीं ख्याल इधर से निकलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इनमें कोई भी लड़का ऐसा है जो अपने स्कोर करने आएगा, वो टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम ने एक चीज़ माइंड बना लिया है, वही प्लान लेके आते हैं, उसी पे स्ट्रक रहते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो फिर शायद वो कुछ चेंज करें, लेकिन अभी तक 2015 के बाद मैंने नहीं देखा इन्होंने कोई ऐसी चीज़ चेंज की हो। आज की विकेट के बारे में बात करें तो एक सीमेंट है ये, बिल्कुल स्लो सीमेंट है, लेकिन मैं और मुशी भाई ब्रेक में बात कर रहे थे, आप अगर अच्छी बॉल करके मार खा लें तो फिर बात समझ, इन्होंने बॉलिंग भी गलत किया बाहर की। आप मान रहे हैं? आज मान रहा हूँ, मैंने देखा कंडीशंस के साथ मुबारक हो, यू हैव कन्विंस किया, स्लो स्लोली देखिए, अच्छा कन्विंस किया ना, आप ये हो नहीं सकता कोई अच्छी बात हो रही हो, वो बता रहे हैं कि नजर भी आ रहा है ना बाहर बाहर। यूसुफ को कन्विंस किस बात पे किया? पहले यूसुफ को कहा, यूसुफ का प्लान बिल्कुल ठीक है, फ्लैट पिच है, सिमटेड पिच है, यहाँ पे मार पड़नी पड़नी है, पर मैंने कहा यूसुफ मार तो पढ़नी पढ़नी है, अगर आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी हो तो आपको आपको विकेट मिलने का चांस तो है ना। तो यूसुफ ने कहा कि अगर ये मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ और मुशी भाई की बात मान लूँ तो दोनों की जीत है ना, तो इट्स विन विन सिचुएशन। और मुझसे कल ये गलती हुई जी। क्या गलती हुई? कल मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। क्या हुआ? मैं शाहिद की बातों में आ गया कल। लाला शायद की बातों में, बातों में आ मैं आया है ना कल, मैं सुना ना मैंने कहा कि जी आप पॉइंट टेबल के ऊपर, आई एम नॉट, मैं बॉल पे फोकस ही नहीं करता, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना 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 ओपिनियन देता हूँ। तो शाहिद ने कहा कि फिर अगले प्रोग्राम में देखा जाएगा, अगले शो में, अगले वर्ल्ड कप में या अगला कोई प्रोग्राम होगा तो वो ही बैठेगा जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। तो मैंने वो जेन में बिठा के पता क्या करना शुरू कर दिया, मैंने अफगानिस्तान की बजाय इंग्लैंड कह दिया। तो क्या मैं अभी वो गलती को दोबारा सुधरा सकता हूँ? मैं अफगानिस्तान को कह सकता केस आपकी तरफ आया, मुशी भाई के ऊपर काफी सारे केसेस हैं, तो ये समझता हूं बताना नहीं वो वाला लाला। वैसे हमें सोशल मीडिया पे बहुत डिमांड्स आ रही है, आ रही है चक नॉरिस वाले केस की। मैंने सवेरा को कहा, ये शायद मैंने कहा आप ही लंबे लंबे सवाल करके लंबे लंबे जवाब दे दे तो आप अगर इन्होंने कोई ऐसी ये मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, ये मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं। लाला आप टीम चेंज करने की आप अपने वीटो यूज करते हुए आप इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, जो जो तीर निकल गया कमान से वो निकल गया। बिल्कुल जी। और मतलब तो... मुझे आप वो अर्थपुर वाले वो चाचा का नाम क्या था, कुर्दुपुर क्या नाम था उसका? गुंदू दुम दुम दू गुंदू क्या नाम था उसका, क्या नाम था क्या नाम था वही था मुशी भाई, वही था, नाम को छोड़ उसकी हरकतों पे जाए। मैं वो बन सकता हूँ आज फिर एक दफा यू टर्न, अगर आपने दोबारा एक दफा गर्दन उड़वानी है अपनी। बट लाला जहाँ एक और दफा अब फिर से जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से बैंगलोर में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अपने दो मैचेस हार कर आ रही है और बहुत ऐसी शिकस्त है वो दैट ऑस्ट्रेलिया भी उससे वापस खड़ा होना चाह रही होगी। पाकिस्तान ने जिस तरह कल इंडिया से मैच हारा, पाकिस्तान टीम भी जितनी जल्द इस टूर्नामेंट में इस इवेंट में खड़ी हो जाए वो ज़रूरी है। क्या किस स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए? आप हैं कोच टीम पाकिस्तान के, व्हाट विल बी योर मैसेज? मैं हर प्लेयर को ये कहूं कि भाई जाएं अपनी स्ट्रेंथ पे रहें, आपको आपसे अच्छी स्ट्रेंथ का किसी को नहीं पता, जाओ खुल के खेलो, खुल के अपनी क्रिकेट खेलो, जिस तरह आप खेलते हुए आए हो पॉजिटिव रहो। प्रेशर होता क्या है, ये तो प्लेयर के ऊपर है कि वो प्रेशर को लेता है कि नहीं लेता। प्रेशर सिर्फ परफॉर्मेंस का है, परफॉर्म करके दे दो खत्म। और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं मैं नहीं चाहता आपसे, लेकिन जो 11 लड़के जाए
वो 11 लड़के जब बाहर हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस हो, तो थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस से एज अ टीम एक बड़ी परफॉर्मेंस बन जाती है। बट ये सारी से ना डर है। बट लाला ये सारी बातें तो जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर आजम ने, मैं मुशीब भाई आपकी तरफ आऊंगी, उन्होंने बाबर ने भी यही कहा था, मैंने लड़कों से कहा जस्ट गो एंड एंजॉय, इंजॉय करें जाके, ये एक्सपीरियंस है हमारा जिसको हम गेज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है टीम पाकिस्तान पहली दफ़ा इंडिया गई है, तो बातें तो ये भी उन्होंने कही। आई थिंक वो स्ट्रेटजी बनाई ना उन्होंने 280-90 की, वहाँ पे सारा माइंड सेट चेंज होता है। और जो शाहिद बात कर रहे हैं या यूसुफ बात कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स जहाँ जहाँ हमें बात कर रहे हैं, आप इन पिचों के ऊपर कोई सेट टारगेट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये पिचें बहुत फ्लैट हैं। हाँ, सीम स्विंग टर्न हो रहा हो तो आपने कहना अभी 240 की पिच है, विकेटें हाथ में रखनी है, यहाँ पे विकेट लूज नहीं करनी। यहाँ पे तो आपको एग्रेसिव क्रिकेट ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल खेलनी पड़ेगी। उसके उसका इंटेंट क्या होता है फिर, जिस तरह एक बड़ी शाहिद ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कल इसने कहा था, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि चौके छक्के मारना शुरू कर, दुक्के भी अग्रेशन है, डॉट बॉल ना खेलना ये भी अग्रेशन है। वो जो हमारे डॉट बॉल हुए ना बीच में वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये चौके छक्कों की बात नहीं है, ये इंटेंट की बात है कि जैसे यूसुफ हमेशा कहते हैं कि मैं जब एक चौका मार के ये ना सोचूं कि सिंगल करनी है, वो हमारे दौर की बात थी कि आप विकेट नहीं लूज करनी, चौका पड़ गया। अब चौके के बाद अगर दूसरा चौका मिल रहा है तो मारो उसको, क्योंकि आपका इंटेंट स्कोर करने का होना चाहिए। जब आपका ये इंटेंट होता है तो सिंगलें वैसे ही खुलना शुरू हो जाती है। जब आप ये कहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, विकेट नहीं लूज करनी, फिर डॉट बॉल खेलते हैं आप, फिर मुंह वाले बॉल को भी आप रोकने की कोशिश करते हैं। कीप द बोर्ड टिकिंग कहते हैं ना, दैट्स द आपका डिफेंस है जी, आपका अटैक आपका डिफेंस है, आपको बॉलर की लाइन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, उसको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा, ताकि वो ये ना सोचे कि मैं अब आउट करने जा रहा हूँ, मैं इस बॉल पे आउट कर दूंगा। आप उसके अगेंस्ट जाओ, अटैक करो, ताकि वो सोचे कि मैं बाउंड्री या सिंगल डबल कैसे रोकूं। भाई आप मुझे शाहिद बॉलर है, यूसुफ बैट्समैन है। अब जब यूसुफ इसके खिलाफ चांस नहीं लेगा, आप शाहिद से पूछे, मेरा क्वेश्चन है बल्कि शाहिद से जी, शाहिद आप बताओ, फ्लैट पिच है और यूसुफ आपके ऊपर चांस नहीं ले रहा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके दिल में ये नहीं चल रहा होता कि अगर एक विकेट मिल गई तो यहाँ पे हम इसको 2-3 विकेटें गिरा देंगे। अब ये चलता है कि नहीं चलता, आपका क्या माइंडसेट होता है सिचुएशन पे? देखिए, अगर यूसुफ जैसा प्लेयर मेरे सामने खड़ा होगा ना, तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉले करूं, क्योंकि आउट मुझे पता है कि यूसुफ ने मुझे आराम से विकेट नहीं देनी, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं डॉट बॉल करूं। और यूसुफ क्योंकि बड़ा प्लेयर है, ये ज्यादा देर तक मुझे डॉट बॉले बर्दाश्त नहीं करेगा, कहीं ना कहीं चांस लेगा मुझ पे, सफोकेट कर दे। और जहाँ फिर ऑब्वियसली चांस लेंगे इतने सफोकेशन के बाद, तो दैट चांस वुड नॉट बी दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही इज गोइंग। अगर मैं आई एम सॉरी टू कट यू, अगर बाबर जिस तरह खेलता है ना, बाबर नेचुरली स्ट्रोक प्लेयर है, वो उसका रोकना भी कई दफा चौका मिलता है उसको। बाबर को अपनी गेम खेलनी चाहिए, रिजवान खेलते ऐसी गेम, रिजवान की स्ट्रेंथ है कि वो ना ये सोचता है कि यहाँ पे मैं इतना कर लूंगा, वो बड़ा मैथमेटिकली खेलता है, क्योंकि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो गेम को लेके चलता है, वो स्कोर बोर्ड को देखता है, ऑपोजिशन के बॉलर को देखता है। बाबर की ये स्ट्रेंथ नहीं है जी, बाबर की स्ट्रेंथ है सी द बॉल एंड प्ले द बॉल। और नेचुरली जब उसके ये स्ट्रेंथ है ना कि जहां पे बॉल है वो उधर खेलूंगा, उसकी टेक्निक ही ऐसी है, उसका बैलेंस ही ऐसी है कि वो चौके भी मिलते हैं, उसको सिंगलें भी मिलती है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन जो हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए था, प्ले योर गेम, आप अपनी नेचुरल गेम खेलो, इंडिया के खिलाफ आउटकम का ना सोचो, आउटकम का सोचोगे ना कि यहाँ पे इतना स्कोर कर लेंगे तो हम डिफेंड कर लेंगे, फ्लैग कर लेंगे, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट टोटली डिफरेंट होने लगे। यूसुफ भाई, अब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम उतरने लगे मैदान में, हम हमेशा यही सवाल करते हैं, अब तीन मैचेस हमें लड़कों को देने चाहिए, अब तीन मैचेस हो गए हैं पाकिस्तान के, अब जो लड़के जिनका हमें लग रहा है कि ये लड़के, जैसा कि इमाम का मैं जिक्र करता हूँ और मैं शादाब के हवाले से सवाल डे वन से उठ रहे हैं, क्या अब हमें चेंजिंग की तरफ जाना चाहिए? अब चेंजिंग तो देखें उन्होंने ही करनी है ये, और इन हमें तो चाहिए कि नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए? देखें ये जो जैसी विकटें हैं इस पर मेरा ख्याल है, हम तो पहले भी कह रहे थे कि फ़खर जमान को इंडिया के मैच तक चेंज नहीं करना चाहिए, पूरा चांस देना चाहिए, क्योंकि बड़ी फ्लैट विकटें हैं, जब वो चलता है तो मैच एक तरफ कर देते हैं, और कल की विकेट पर अगर वो होता तो अगर 8-10 ओवर जैसे इन्होंने खेले, अगर वो खेल जाता और उसको 2-4 चौके मिल जाते तो वो फिर बड़ा लीथल हो जाता है, वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले जाता है। और देखें जो आजकल की क्रिकेट है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये बॉलिंग नहीं जितवाएगी,
ये मेरी बात याद है, ये बैटर्स जितवाएंगे, बॉलर्स का बहुत मुश्किल है, बॉलर्स नहीं जितवाएंगे, टफ है बॉलर्स के लिए, टफ है ये बात याद है। हमारे टाइम पे बॉलर्स के लिए इजी था क्योंकि उसमें रिवर्स स्विंग कर लेते थे आप, 10-12 ओवरों में गेम हो जाता था। अब ये नहीं होता इतनी जल्दी, जब तक कि विकेट बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाए। कल भी देखें हुआ उनका, तो उन्होंने जो शदाब का डंडा उड़ा है वो देख लें, वो रिवर्स स्विंग हुआ है, वैसे आके एकदम बाहर निकला है। हालांकि ये अभी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं मगर मुझे यूसुफ फिर एक बात बताएं, आपने कहा कि ये जो टूर्नामेंट है ये जिस तरह की ये नहीं, ये 10-12 साल से बैटर्स जितवाएंगे, ठीक है बैटर्स तो रन्स बनाएंगे, मगर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं ऑब्वियसली अगर आपके छोटे 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 इंटरवेल पे आप इम्पैक्ट आप बॉलिंग करेंगे और आप विकेटों पे विकेट निकालते जाएंगे तो रन तो बनेंगे नहीं ना, तो रन कैसे बनाएंगे फिर बैटर्स? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बैटर्स नहीं बनाने ना रन्स, मगर बॉलर्स अगर इम्पैक्टफुल एक टीम के होते हैं जो अगली टीम ऑपोजिशन को खड़े ही नहीं होने दे रही तो रन बनाना तो बात की बात है। कल टीम पाकिस्तान सर्वाइवल मोड पे चली गई ना, मैं वो तो सारी बात हो गई ना, ये सारी जो उस वक्त से यही हो रही है, लेकिन मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि बैटर्स का काम है, बॉलर्स का इतना काम नहीं है। बॉलर्स का काम एक जरूर है जो मुशी भाई और मैंने अभी भी बात की कि विकेट टू विकेट क्योंकि इतने मार्जिन नहीं है बॉलर्स के पास, उन्होंने जरा सा भी इधर उधर किया ना तो वो आपको पड़ जाए, और अच्छा बैटर जो होगा आपकी अच्छी बॉल को भी मार देगा, ये याद रखिएगा। जब वो सेट हो जाएगा वो ऐसी विकेटों पर वो आपको मिडल वाले बॉल से भी ले जाएगा कहीं ना कहीं, इसीलिए तो अच्छा बैटर है, सबसे अलग ही इसलिए दिखता है। ये जो बात अभी शायद ने भी की है कि लाजमी नहीं कि छक्के चौके मारने, गैप आजकल आपने गैप में खेला तो चौका हो जाना है क्योंकि एक फील्डर अंदर एक्स्ट्रा है, आपको 6-7 तो ओवर में मिल जाते हैं, सिर्फ आपने कोशिश करनी, हमने गैप्स में खेलने की कोशिश करनी है। बास का ये होता है कि गैप्स में नहीं लग रही होती विकेट, ऐसी होती है आपको ऊपर से उठा के मारनी पड़ती है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई भी टीम ऐसे करेगी वो टीम आपको टफ टाइम देगी। आप देखें जो भी टीमें ऐसे खेल रही हैं, आज अफगानिस्तान ने टफ टाइम दिया। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी कैन आई चिप इन, मैं ये इसकी एग्जांपल देता हूं। अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह, खैर अल्लाह को पता है, जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है अभी एक दो ओवरों में इनकी अफगानिस्तान की विकेट गिरने वाली है। आदर रशीद ने पिछले 3 ओवर में 2 ओवर में उसने इतनी ब्रेकिंग न्यूज प्रेशन गोई हो गई है। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदे को अल्लाह का शुक्र है पता है 70-80% ऐसे ही होता है। इसने आदर रशीद ने 2 ओवर इतने अच्छे किए हैं, अब आप देखिएगा कि आप ये हम यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज करके चलाएंगे बिकॉज अभी ये अफगानिस्तान मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझे बताएं आप ये क्यों मैं कह रहा था, पिछले शायद 2 ओवर में आदर रशीद ने इतनी आला बॉलिंग की, इतनी आला बॉलिंग की, उसने नहीं चौका खाया, उसने नहीं इजी सिंगल होने दी, उसने लाइन लेंथ पे लेग ब्रेक गुगली करता रहा, या देखा क्या उसने जबरदस्ती मारी, क्या हुआ विकेट गिर गया। ये गेम अवेयरनेस सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, ये अल्लाह ने किया है। मगर ये मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं था आज हो जाता है, मैं एक ऑब्जर्वेशन होती है कि 2 ओवर शायद ने कहा मैं यूसुफ को 2 ओवर डॉट 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 कर दूंगा वो चांस लेगा, तो चांस लेगा तो क्या होगा फिर आप विकेट में चौका लग सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विकेट बढ़ गई, यू गॉट 70% द बॉल इज इन योर कोर्ट देन ना एज अ बॉलर। आप जब उसको दोनों तरफ से स्कोर भी खा रहे हो, दोनों तरफ से बॉलिंग भी कर रहे हो, मुंह में कर रहे हो, इन पिचों के ऊपर आदर रशीद ने विकेट ली ना जी, हम क्यों ली, उसने 2 ओवर मैंने देखा है उसने गंदा गेंद नहीं किया, जब गंदा गेंद उसने नहीं किया तो उसके पास वो ही डिजर्व टू गेट वन विकेट। बिल्कुल, बट लाला फिर मैं बार बार पाकिस्तान की तरफ ही आ रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड जिस तरह खेल रहे हैं, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट, मगर अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिसीजन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, हम 3 स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं जा सकते? व्हाई कांट वी हैव 2 लेग स्पिनर्स इन आवर साइड एंड 1 फिंगर स्पिनर दैट इज इन शेप ऑफ नवाज? देखिए सवेरा आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है साथ में, और अगर आप इफ्तिखार भी आपके साथ खेलता है तो आपको तीसरे स्पिनर की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपल सी है कि शादा आपको या नवाज में से, क्योंकि एक प्लेयर आपको बिठाना पड़ेगा, उसामा मीर को लाना पड़ेगा, कहे जा रहे हैं
तो आई मीन के डिसीजन लेने पड़ेंगे और ले डिसीजन ले डिसीजन हम बैठे हुए हम सारे बैठे हम सपोर्ट ही करेंगे ना, सही डिसीजन ले रहे हो, कोई गलत तो नहीं ले रहे और मेरिट बेस्ड डिसीजन ले रहे हो क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही उनसे, तो व्हाई नॉट के एक रेगुलर जेन्युइन जिसकी कमर भी लगती है, जिसका प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, जिसने परफॉर्म भी किया है, खिलाओ ना उसको यार, आप खिलाओ तो सही, देखो तो सही, तीन मैचेस हो गए, उससे पहले एशिया कप था, सारा कुछ था, सब में आपने देख लिया, खिलाओ आप उसामा मीर को, खिलाओ जी। हाँ, और कोई देखे, नो वन कैन गिव गारंटी कि हाँ जी वो आएंगे और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, टीम पाकिस्तान को जिता देंगे, मगर अगर अभी इस मैचअप के साथ हम हार रहे हैं तो उसके साथ हारेंगे तो एटलीस्ट अपने लड़के को कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं हम वर्ल्ड कप में खेलने। मैं हमेशा एक चीज़ का बिलीव करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सारे हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बिलीव करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली होती है, उनका बिलीव है कि आप अपना मैच हारते हो ना अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हारो, आप कभी इफ एंड बट्स के ऊपर हारते हो ना गिल्टी फील करते हो, मुझे मार पड़ती है एज ए स्पिनर, जब मुझे मार पड़ती थी जब मैं लोगों की बात सुन के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता ऐसे करूं, अगर मैं अपने तरीके से अपने प्लान्स करके अपने गोल्स बना के मार खाऊंगा ना तो मुझे हर्ट नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट मैं उससे सीखने की कोशिश करूंगा। यही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान टीम, जैसे हमारा ये हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे शो की कर रही है बात कि हमने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है, ये हमारे हीरोज हैं, इनको आखिरी मैच तक सपोर्ट करेंगे, बट ये जो हम जो बात करते हैं ना ये बेहतर बेटरमेंट ऑफ द टीम, जो हमारे तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसको शेयर करें ना। अब जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या, मैं अगर शायद कहता है कि नहीं इस सिंपल करो ऐसे ऐसे करना चाहिए उसामा, मैं कहता हूँ चलो अगर आपने शदाब को खिलाना तीन स्पिनर से जाओ क्योंकि सीमर्स को वो अच्छा खेलते हैं, जो बैंगलोर की पिच है बहुत पटाखा पिच है, ग्राउंड भी छोटा है वहाँ पे, क्या ऑस्ट्रेलियन के पास हमने देखा कि चेन्नई के ऊपर क्या किया, ठीक है स्पिन हो रहा था वहाँ पे मगर उन्होंने तीन स्पिनर डाले और तीन स्पिनर डाल के अटैक किया है, हम भी क्यों नहीं नवाज से अटैक करवा दें उनके खिलाफ क्योंकि मास जो है वो स्पिनर को अर्ली ऑन अच्छा नहीं खेलता, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ना क्योंकि वो तो फास्ट बॉलरों को खेल के यूज्ड टू होते हैं। अब नवाज पहला ओवर करेगा, दो आपके बीच में पड़े हैं, आप मैच हार जो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको रिग्रेट्स नहीं होगा क्योंकि यू आर गोइंग टू अटैक विद द स्पिनर्स हु गेट यू विकेट्स बेसिकली। एग्जैक्टली, तो अटैक पे जाना पड़ेगा, द बेस्ट डिफेंस इज अटैक, हाउ यू अटैक, मगर यहाँ वक्त खत्म हो गया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोग इस बात को याद रखें कि #AskZKJ 5 बजे के सेशन में जब हम वापस शामिल होंगे, वापस आएंगे आपके सामने तो हमारे एक्सपर्ट से हम आपके सवालों का पूछेंगे जवाब, सो डोंट मिस दैट शो एट ऑल। वक्त हो गया हमारे जाने का, सवेरा और मेहर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।